आप सबको नमस्ते और ग्रेटिट्यूड हमारे गुरु डॉक्टर महेश चंद्र सर को एंड ऑल एडमिन, हमारे प्रवीण सर, हमारे डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, दिलीप जानी सर और ऑल आर टीम, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें लर्न किए हैं और आगे भी करेंगे। तो आज का मेरा टर्न था, तो आप सबने बहुत अच्छा एनालिसिस प्रेजेंट किए हैं। मैं केस को बोल देता हूँ। ये केस एक 19 साल के लड़के का था और इसको एक्जिमा हुआ था सिर में और फेस में, और काफ़ी वो एक्जिमा देखने में बहुत ही ख़राब लग रहा था, जिस तरह इसको फेस में हुआ था और हेड में हुआ था, और उसमें इसको बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग होता था और वो इचिंग ज़्यादातर रात में होता था। इसका घर में माँ है, पिताजी हैं और एक बहन है जो 16 साल की है। ये जो लड़का है 19 साल का है। तो इसके फादर जो हैं वो बस में वो कंडक्टर हैं, जिसको खलासी बोलते हैं, वो खलासी का काम करते हैं और उनको रोज का 200 300 200 300 ऐसे करके इनकम होती है, और इतने में फैमिली को चलाना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये जो लड़का है अभी 12th में पढ़ रहा था और साथ में एक साल से ये पार्ट टाइम जॉब भी करता है। तो जब ये हमारे पास आया तो उसने हमें नमस्ते किया, मैंने इनको बैठने के लिए कहा तो ये बैठा लड़का, और ये लड़का आया था और इसके साथ एक दोस्त भी आया था, क्योंकि उस लड़के को हमने एग्जिमा ठीक किया था तो उसी के रेफरेंस से ये लड़का हमारे पास आया था। तो मैंने उसको बोला कि बताओ, तो ये पेशेंट बोला कि ये मुझे एग्जिमा हो गया है। मैं बोला कब से हुआ है, तो बोला 1 साल से हुआ है। बोला ठीक है, क्या तकलीफ होती है इससे, तो बहुत खुजली आता है, रात में खुजली करते करते परेशान हो जाता हूँ, मेडिकल में दिखाया था, अपॉइंटमेंट दिया, उसको लगाया, बट जब तक लगाता हूँ तब तक तो ठीक रहता है, बाद में फिर वैसा ही हो जाता है। उसने ये बात बोली। ठीक है, उसके आगे फिर क्या हुआ, मैंने उसको पूछा तेरा मन किस चीज को लेकर के इरिटेट है और फ्रस्ट्रेट है। तो ये जो इचिंग की जो समस्या होती है ना, खास करके जो एक्जिमा है या जहाँ बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, एक्जिमा, रिंग वर्म, तो ये सब मन में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन रहता है या चिड़चिड़ाहट रहती है ना, तो वो चीज़ ये दिखता है साइकोडायनामिक के अनुसार से। तो मैंने उसी के अनुसार से क्वेश्चन किया था इसको, तो इसका बहुत अच्छा जवाब आया, पूरा केस खुल के आ गया। तो मैंने पूछा कि तेरा मन किस चीज को लेकर के इरिटेट है या फ्रस्ट्रेट है, वो बताओ। तो उसने बोला हाँ, काम को लेकर के है।
पर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन रहता है। क्यों रहता है? और वहाँ मालिक मुझे उल्टा सीधा बोलता है, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये बंदा जो है कपड़ा जो बेचते हैं ना, तो उसके शॉप में ये काम करता है, और उसका जो मालिक है वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्टिडियस नेचर का है, और मतलब एक टिपिकल आर्सेनिक टाइप की पर्सनालिटी है उनकी, है ना। तो ये लड़का को सुनाते रहता है, तो इसको अगर जोर से बोल देता है ना, तो ये चीज़ उसको बहुत मन को बुरा लगता था। तो उसके आगे क्या हुआ, वो मुझे मुझे कोई भी जोर से डांट के बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मुझे रोना आ जाता है। और वो मालिक बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ओवर काम कराता है, मैं काम कर भी देता हूँ उसके बाद भी अच्छे से बात नहीं करता। मतलब कि ये बंदा जो है, एक तो जितना काम करना चाहिए उसे ओवर काम करवाता है, ठीक है, उसके ओवर पैसा तो देता नहीं है बट ओवर काम करवाता है, और ये कर भी देता है। और जब इसको उल्टा डांटता भी है ना, तो डांटते से ये बहुत ज्यादा परेशान होता है। कभी बोलते यार इतना कर रहे हैं, कम से कम अच्छा बात तो बोलो, तो वो भी बोलने को नहीं मिलता है। तो ये चीज भी उसको बहुत ज्यादा मन में दुख पैदा करता है। तो फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, क्या कर सकता हूँ, चुप रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला यार जब तेरे को इतना मन में चीजों को लेकर के दुख लग रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते, छोड़ दो ऐसे मालिक को, तू तो उसका जितना करके दे रहे हो इतना तो कोई करके भी नहीं देगा, छोड़ दो, तुमको दूसरा कहीं मिल जाएगा। तो इसने बोला नहीं सर, एक तो काम मिलता नहीं है और मेरे फादर बहुत कमाते नहीं है, तो फिर इसने बोला मेरे फादर ज्यादा कमाते नहीं हैं, उतने में घर चलाना माँ को मुश्किल होता है, तो मैं पढ़ाई के साथ काम कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब इसके फादर कम कमाते हैं, बहन की पढ़ाई में खर्च होता है, खुद का, तो ये बंदा जो है फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है। तो इसको लगता है कि पापा को, मैं अगर ये काम करता हूँ तो पापा को हेल्प हो जाती है। तो और क्या और टेंशन क्या करते हो? यही घर का, पढ़ाई का, मैं जल्दी से अपना फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं, इसकी टेंशन होती है कि मेरा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, और घर में इस तरह की दिक्कत है, तो उन सबको मैं कैसे हैंडल कर सकूं, इसका बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। बहन का शादी भी करना है, बहन का शादी भी करना होगा, उसके लिए भी पैसे कमाना है ताकि मैं उनकी अच्छे से शादी कर सकूं, ये सब दिमाग में टेंशन चलता रहता है। तो नेचर कैसा आपका पेशेंट? मेरा नेचर शांत है सर, मैं किसी पर गुस्सा जल्दी नहीं होता, मन में अगर किसी बात के लिए दुख हुआ तो बोलूंगा नहीं। मुझे लगता है जब मुझे उसके बाद से इतना तकलीफ हुआ तो सामने वाला को भी तो होगा ना, तो मैं किसी का मन दुखी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए चुप रहता हूँ। तो मैंने फर्स्ट मेडिसिन इसको 200 पोटेंसी में दिया था, लेकिन 15 दिन के बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था, उसी तरह खुजली से वो काफ़ी परेशान था। तो मैंने इसके बाद मेडिसिन को चेंज किया, और चेंज करके इसको 30 पोटेंसी में दिया, वाटर डोज 3 दिन के लिए, बाकी SL दिया था। उसके बाद 14 डेज के बाद आया, ईचिंग बहुत अच्छा हो गया था, इरप्शन खत्म हो गया था, और उसके 1 मंथ बाद जब आया तो कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। तो ये केस था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और ये मेरा केस 2 2.5 साल पुराना केस है। वो लड़का आज भी हमसे जब कुछ होता है तो आता है हमसे मेडिसिन लेने के लिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इसका। आप सबने बहुत अच्छा एनालिसिस भी दिए हैं,
बट मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप लोगों का ओपिनियन लो, उसके बाद फिर हम आगे डिस्क्लोज करके करेंगे। तो पंकज भाई आप बताओ सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग। जी भाई, नमस्ते भाई। जी नमस्ते। भाई मेरे को इस केस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ लगी थी वो ये थी कि ये बंदा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है और छोटी उम्र में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। तो सबसे पहला जो रूब्रिक मेरा जो एंट्री पॉइंट था इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली और प्रिकॉसिटी था। और फिर उसके बाद में मेरे को ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डोमिनेशन किया जा रहा है, जैसे इसका जो मालिक है, बॉस है, इसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो वहाँ से फिर मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन ये रूब्रिक उठाया था। और ये भी था कि भी इसके मन में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके दुख है ना, दुख इन द सेंस मतलब गुस्सा है, लेकिन उस चीज़ को वो निकाल नहीं रहा है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन मैंने ये लिया था फिर इस चीज़ को लेके, है ना। और फिर उसके बाद में मतलब कि ये कंटिन्यूसली ये जैसे मतलब उस चीज़ को फेस किए जा रहा है ना, मतलब बॉस इसको मतलब कि डोमिनेट कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, फिर भी ये काम कर रहा है ना। तो यहाँ से फिर मेरे को ये एक रूब्रिक समझ में आया कि एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, ये रूब्रिक लिया फिर मैंने। और इसके बाद में फिर मेरे को ये समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है, दूसरों की बहुत ज़्यादा चिंता करता है, फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इसका कंसर्न रहता है, फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी उठाता है, केयर करता है। तो फिर ये रूब्रिक मैंने लिया केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, और ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी था लेकिन इसका मन नहीं कर रहा था कोई भी काम करने के लिए, है ना। तो अपनी मर्जी के खिलाफ ये काम कर रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने एक रूब्रिक उठाया, रिस्पॉन्सिव इंटरेस्ट विदाउट, और लास्ट में ये था कि ये बहुत ज़्यादा मतलब झुक के काम करने वाला था, तो यील्डिंग डिस्पोजिशन लिया था भाई। तो ओवरऑल मेरा ये सही है, कार्सिनोसिन का फील आया था बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी। जी। बबीता थैंक बहन यू आप भाई, बताओ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू भाई। बबीता बहन आप बताएंगे। और कोई पार्टिसिपेट करेंगे? जी डॉक्टर धीरेंद्र भाई आप बताओ। आप सब चुप क्यों हैं? हेलो जी हेलो, नमस्ते। जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्या ये रिस्पॉन्सिबल वाला जो रूब्रिक था उसके बारे में बात करना है? इस केस के बारे में हेलो, आपको क्या समझ में आया वो बताना है। केस हम ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा हम थोड़ा सा फिर कुछ दूसरे चीज में बिजी हो गए, इसीलिए हम ध्यान नहीं दे पाए। इसीलिए आज तो उसके बारे में नहीं बता पाएंगे हम, प्लीज ओके कोई बात नहीं। डॉक्टर आज पूनम नहीं बहन ध्यान दिए आप इसलिए। आइए। डॉक्टर पूनम जी हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, मेरा तो देखो जो डॉक्टर पंकज ने बोला वो देखो मतलब बस एक लास्ट में जो आपने पूछा ना कि फिर ऐसी जॉब आप छोड़ क्यों नहीं देते हो, तो ही सेड कि नहीं जॉब मिलती नहीं है, तो वो या तो उसकी हेल्पलेसनेस ऑफ कार्सिनोसिन हो सकती है ना, क्योंकि उसका एम्बिश अपना छोटा है, अभी पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते कमा भी रहा है वो तो, और अपनी फैमिली के लिए यूजफुल होना चाहता है, अपनी आईपीआर के लिए यूजफुल होना चाहता है टू द बेस्ट पॉसिबल। तो ओवरऑल तो देखो कार्सिनोसिन की फीलिंग है, तो अगर वो नहीं है तो फिर वो फियर ऑफ लूजिंग लुक्रेटिव जॉब, बट वो इतना मेरे को लगता है वी कैन इग्नोर दैट। बेसिकली उसकी हेल्पलेस फीलिंग है,
वो ना चाह कर भी रिस्पॉन्सिव है, जबकि इंटरेस्ट उस बेचारे का है नहीं, बट मजबूर है वो, क्योंकि ही इज सो फुल ऑफ केयर टुवर्ड्स हिज आईपीआर। उसको अपनी बहन की चिंता है, उसको अपने पापा के साथ मतलब पापा को हेल्प करनी है, केयरिंग एटीट्यूड है। ओवरऑल तो कार्सिनोसिन ही लग रहा है वो। थैंक वेरी गुड, यू। बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर पंकजनी बहन। जी डॉक्टर पंकजनी बहन, आप बताएंगे? नेक्स्ट डॉक्टर निशा बहन, आप बताओ। हेलो, हाँ सर, ये मुझे इसमें ये लगा कि वो इमोशनली हर्ट होने की वजह से आंसर नहीं दे पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये लिया, द फैमिली फॉर और फियर जॉब टू लूज इज लुक्रेटिव, ये लेके, और वो यील्डिंग डिस्पोजिशन में था तो मुझे इनिशियल लगा। ओके ओके डॉक्टर भारती बहन, आप बताओ। डॉक्टर चंदा बहन, आप बताओ। सर, मेरे अकॉर्डिंग ये लड़का बहुत कम एज का तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक एज का है। जितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो मैंने एनालाइज नहीं कर पाया, मतलब रिपर्टराइज नहीं कर पाया, लेकिन पहला मैंने जो पॉइंट उठाया था वो है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू रिस्पॉन्सिबल, ये वाला एक रूब्रिक था। फिर ये हर जगह मतलब बहुत झुक रहा है, तो हेल्पनेस प्लस यील्डिंग मैंने दोनों लिखा लिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर मान रहा है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो झुक रहा है, इसलिए वो यील्ड कर रहा है। फिर सप्रेशन, चूंकि उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है या फिर रूड बिहेवियर हो रहा है उसके साथ, तो सप्रेशन ऑफ एंगर भी मुझे लगा। और जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा था वो है एंजाइटी अबाउट मनी मैटर, क्योंकि वो हर चीज उसके हर चीज के पीछे, हर सेक्रीफाइस के पीछे उसका पहला जो रीजन था वो उसका एंजाइटी है मनी को लेकर के, कि घर में पैसे कम है इसलिए उसको कमाना पड़ रहा है, उसको कमाना है क्योंकि उसको बहन की शादी करनी है, घर चलाना है, पापा कम कमा रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी से मतलब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो यही चार पॉइंट मुझे लगा, तो ऐसे मुझे फील किसी का नहीं आया, इसलिए मैं बस यही लेकर के चली। वेरी मुझे गुड, कार्सिनोसिन बहुत अच्छा। नहीं लगा मुझे, क्योंकि कार्सिनोसिन में बहुत ज्यादा वो मनी को लेकर के उतना नहीं रहता है, मनी मैटर को लेकर के नहीं, वो प्लीजिंग प्लीज वाले में ही चला जाता है, वो जो भी एक्शन करता है वो सामने वाले को प्लीज करने में लगा रहता है। तो यहाँ पे रहता तो वो जिसके यहाँ काम कर रहा है उनको प्लीज करने में लगा रहता, लेकिन यहाँ पे मुझे वो एंजाइटी मनी ज्यादा प्रोमिनेंट लगा, पर मैं रिपर्टराइज नहीं कर पाई, थोड़ा सा बाहर थी तो पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे से अर्ज करना, लेकिन मैंने ये केस पढ़ा था तो मुझे यही पॉइंट समझ में आया। बहुत अच्छा। हेलो, थैंक यू सर। तो मैं बोलू, हाँ बहुत ज्यादा तो एनालाइज नहीं किया है, जस्ट थोड़ा सा देखा है। तो ये बंदा मुझे ना शुरू में जैसे आते साथ आप बोले वो नमस्ते बोला करके, तो ये रेवरेंस में लगा, और इसमें मैंने उसका जो मालिक था वो उसको बहुत ज्यादा बोलता था और वो उसको अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो इतना काम करता था फिर भी हमेशा उसको कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहता था, तो इसलिए मैंने उसको एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग ली, और ये पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था,
और इसको लगता था कि पापा की जो इनकम है वो बहुत कम है और उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये कमाना चाहता था। मतलब पैसे को लेके ये थोड़ा परेशान ही रहता था, इसलिए एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउटली, और ओवरऑल इसका जो देखने से एक हेल्पलेसनेस फीलिंग लग रहा था। और इसके साथ जो उसका मालिक इतना काम कर रहा था उसके बावजूद उसको डांटता था, कुछ कुछ बोलता था, तो ये उसके प्रति वो इनजस्टिस जो कर रहा था वो उसको वो सहन नहीं हो रहा था। और इसने बहुत कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था कि मैं कमाऊँ कमाऊँ के मैं अपने पापा को सपोर्ट करूँ, मैं अपनी बहन की भी शादी करूँ, तो इसके लिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली लिया था। और ये बंदा थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा मॉरल इम्प्रेशंस को लेके सेंट मॉरल्स में लगा, क्योंकि ये कभी किसी का दुख दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए कभी किसी को कुछ बोलता भी नहीं था और ये चुप रहता था। और जब मालिक इसको जोर से बोलता था तो इसको बहुत बुरा लगता था और ये रो देता था। तो सेंसिटिव टू रेप्रेमेंट्स लियो और सेंसिटिव टू रूडनेस, तो ये ओवरऑल मुझे पल्सेटिल का फील आ रहा है, इसमें कार्सिनोसिन का फील नहीं आया मुझे। आपको किसने बोला ये कार्सिनोसिन है? नहीं आया तो नहीं आया, जो आपको आया वही सही है। आपको तो अभी तो पता नहीं है ना कि ये कार्सी है या क्या है। कहीं ना कहीं से लीक हो गया है पर्चा। नमस्ते अभी डॉक्टर चंदा मनोज ने सर। बोला था ना, एक चीज बोलती हूँ, डॉक्टर चंदा ने बोला था कि उसको कारसी को मनी को लेकर कुछ नहीं रहता है, लेकिन एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी टू मेक में कार्सिनोसिन पड़ा हुआ है, उसकी इंटेंशन वो होती है, वो कैरी होती एम्बिशन है में हो जाता है उसकी। मैम, वो एम्बिशन में हो जाता है अभी उसका। अभी रेमेडी फाइनल नहीं हुई है, ये कार्सिनोसिन है या पल्सेटिला है या इग्निशिया है, कुछ भी हो सकता है ना। चलो आगे देखते हैं अभी। मैं बोल रही हूँ मैम, या एंजाइटी, शायद एंजाइटी अबाउट मनी मैटर में नहीं है, एम्बिशन अबाउट मनी मैटर में है, दोनों डिफरेंस हो गया ना मैम, एंजाइटी अलग चीज हो गया और एम्बिशन ओके अलग ना। चीज हो गया। हाँ वो यू आर राइट दैट वे, बट मतलब मैंने देखा नहीं मैम कि नहीं, वो एंजाइटी में है, मतलब वो एंजाइटी में है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ऐसा है। देखो जो ओके उसका अभी रुक फैमिली जाओ, स्टेटस अभी है, रुक जाओ, उसका डिस्कशन बाद में फैमिली करेंगे। स्टेटस सर है। ओके मैं बोलूं? चलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे मैगमोर का भी फील आ रहा है थोड़ा, और देखो क्लोथ इसमें चल रहा है, स्टेप भी लग रहा है, थोड़ा लग रहा है, कार्सिनोसिन भी लग रहा है, सब वेरी क्लोथ गुड चल रहे हैं। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रंजीत सर ये ऐसे दो दो ही चीजों में तो है ही ना, एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी मैटर में तो है ही ये बंदा, और लव फॉर फैमिली में भी है, डिस्कशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले डिस्कशन रहा हम है। लोग लास्ट में करेंगे मोनी बहन, डिस्कशन लास्ट में करेंगे। अभी सबको अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करने दीजिए। ओके और कोई बोलेंगे? डॉक्टर संगीता बहन है। डॉक्टर संगीता बहन आप बताओ। हेलो, और कोई बोलना चाहेंगे? और डॉक्टर रंजित आर्या, मैं किचन में हूँ, बात नहीं कर सकते। डॉक्टर कृष्णा बहन आप कहाँ पर हो? हाँ नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, आप बताओगे आपका एनालिसिस क्या है? हाँ भाई। ये बंदा उसका जो टोन था वो सॉफ्ट माइल्ड था, गुस्सा नहीं आता था, तो नेचर वाइज शांत था, तो माइल्डनेस तो उसमें दिख रहा था। इसका इश्यू जो था वो वर्क प्लेस पर था, वो स्ट्रिक्ट थे ज्यादा, तो एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन दिखा यहाँ पर। इसका बॉस इसको ज्यादा काम देता था,
और फिर भी ये वो कर लेता था, तो ये इल्ड लगा। फिर कोई उसको जोर से ऊंची आवाज में बोले, डांटे, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। तो यहाँ सेंसिटिव टू रूडनेस लगा मुझे। हाँ, फैमिली को लेके ज़्यादा इसका कंसर्न था, केयर वाला बंदा है ये, एंजाइटी फैमिली अबाउट, लव फैमिली फॉर। फादर की इनकम इसकी कम थी, इसके चलते इसने कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कमाने की, वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, क्योंकि फैमिली का खर्चा उसके फादर की इनकम से नहीं निकलता था। तो यहाँ मुझे प्रिकॉशनिटी ज़्यादा लगी और ड्यूटी टू मच सेंस एंड एम्बिशन इंक्रीज मनी टू मेक लगा। ओवरऑल फील ये गुड बॉय का आया मुझे, जहाँ बॉस का डोमिनेशन है, ये बहुत ही सेंसिटिव है बंदा। फिर फैमिली की चिंता है, पैसा कमाना है, दूसरों को हर्ट नहीं करना है, खुद भी हर्ट नहीं होना चाहता और दूसरों को भी नहीं करता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, माइल्ड लगा। और वो फिल्म मुझे कार्सिनोसिन का आया भाई। बहुत अच्छा। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर संगीता बहन आप बताएंगे। शायद बिजी हैं वो, और कोई अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे। हेलो, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेफी साइक्रिया हो सकता है, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज है, झगड़ा कर सकता है, बोल सकता है कि ये ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा काम है, मतलब ज्यादा काम दिया जा रहा है, तो ऐसे वर्बलाइज कर सकता है कुछ, अगर नहीं कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जॉब चली जाएगी अगर वो कुछ भी बोलता है, तो वो इसकी वजह से सहन कर रहा है, और काफी सेंसिटिव बंदा है टू रूडनेस, रेप्रिमांड और जो भी है, मतलब डांट फटकार ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो उस वजह से भी वो वर्बलाइज नहीं कर रहा है खुद के थॉट प्रोसेस को, तो ये सब सोच के स्टैफी ज्यादा लग रहा है वो। ओके, ठीक है। और हेलो सर, और कोई बताएंगे। हाँ सर, मैं बताना चाहती हूँ, ये लड़का ना बहुत ही मतलब माइल्ड टाइप का लगा, और उसको जो भी कंप्लेंट्स हो रहे ना वो डोमिनेशन के वजह से हो रहे हैं, बहुत ही केयरफुल है, सबके केयर करने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, और बहुत ही सेंसिटिव मॉरल इम्प्रेशन है, और ये जो इतना माइल्ड है, माइल्डनेस है ना इसको, तो वो माइल्डनेस कंप्लेनिंग बियर्स सफरिंग इवन विदाउट आउटरेज ऐसा लगा, और उसको फियर जॉब टू लूज हिज लुक्रेटिव है, और एंग्जाइटी मनी मैटर्स में है, तो मुझे ये इग्निशिया लगा। यही रेमेडी तो मैंने दिया था फर्स्ट में, लेट फेल हो गया। ओके सर, और कोई बोलेंगे। डॉक्टर रेमी बहन आप बोलेंगे। नमस्ते भाई, एक्चुअली में मैंने केस पढ़ा नहीं है, मैं अभी देख रही थी। चलो तो मैं डिस्क्लोज करता हूँ अब जी। तो आज सबने 90% लोगों ने केस को क्रैक किया है ये, लेकिन स्टैफी का फिर आना चाहिए था। बहुत अच्छा, किसी ने स्टैफी बताया ना जी सर। मैं जो केस पढ़ा था तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहले स्टैफी आया था, मोर देन इग्निशिया। जी जी, लेकिन सर ये केस, ये सर कार्सिनोसिन है। तो मैंने इस केस में सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जिन्होंने
कार्सिनोसिन को क्रैक किया है और फर्स्ट मेडिसिन इग्निशिया थी और ये सब सिमिलर मेडिसिन ही चल रही थी, है ना। लेकिन अभी इसमें इस केस में ज्यादा चीज हमें क्या देखने को मिल रहा है वो चीज देखो, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या देखा कि ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को कहता हूं ना कि अगर आपने केस को सही से लिया है या केस को समझ के लिया है ना, तो वो केस जो है ना आप उसका क्लियर सॉल्व करने में आसान होती है। लेकिन आपने अगर केस सही से नहीं लिया है ना तो केस को क्रैक करने में दिक्कत आती है। तो केस लेना आप लोग सीखिए। और जैसे मैंने जितना सीखा है उतना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो केस कैसे लेना है ना वो आपका एक आर्ट है कि केस में कैसे घुसना है, कैसे चीजों को समझना है। तो इस केस के अंदर हमने जो चीजें समझा था तो वो सारा चीज क्लियर आ गया ना। तो कई बार क्या होता है ना कि पेशेंट हमें बताते ही नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से अगर समझा है चीजों को तो आप केस को सारा क्लियर कर सकते हो। तो इस केस में क्या था, एक तो ये बच्चा जो है 1 साल से इसको दिक्कत हो रही है। और दिक्कत क्यों हो रही है, इसका मॉर्बिड कहाँ फंसा हुआ था, इसका मॉर्बिडिटी फंसा था वहां जहां ये काम कर रहा था। ये लड़का पढ़ाई कर रहा था वहां तक ठीक था, इसने 10th पास करने के बाद इसने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया ताकि अपना फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें सुधार ला सके, ठीक है। इसको अपने फैमिली की कितनी ज्यादा चिंता है, अपने फादर की, अपने मदर की, अपने बहन की, है ना, कितनी चिंता है। तो ये था लव फॉर फैमिली, ये था लव फॉर फैमिली जो आप सबने, बहुत लोगों ने मिस किया इस चीज को, ठीक है। ये लव फॉर फैमिली के चलते ये बंदा ये सारा कर रहा था, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ कि लव फॉर फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो काम तो कर रहा है, वहां भी क्या कर रहा है, कितना माइल्ड एंड एल्डिंग है, झुक रहा है ना, हर जगह झुक रहा है। वो मालिक डोमिनेट कर रहे बट ये बियर कर रहे, क्यों कर रहे, इसलिए कर रहे क्योंकि इस बंदा, ये बंदा जानता है कि काम ऑलरेडी इधर मिलते नहीं है और अगर ऐसे में हमने अगर कोई गलत कदम उठाया, सोच समझ के नहीं उठाया, तो क्या होगा कि फिर हमारे फैमिली को दिक्कत होगा, इसलिए ठीक है ना, चुप बर्दाश्त कर लो, है ना। तो वहां जो फ्रस्ट्रेशन था ना वो मन पे इसका बना हुआ था कि यार इतना करते हैं, इतना करते हैं, उसके बाद भी क्या कर रहा है, मालिक डांट रहा है, मालिक उल्टा बोल रहा है। हो सकता है कई मालिक जो होते हैं वो, एक तो मालिक जो है सो काफी डिक्टेटोरियल टाइप का है और हमेशा वो रेस्ट के नो प्लेस, वन थिंग नॉट इन प्रॉपर प्लेस में है, एकदम बैठना नहीं है ना सामने वाला को रेस्ट करने देना है, कम्प्लीटली दौड़ाते रहना है ना, और उसको सेटिस्फाई करना मुश्किल रहता है ना वैसे लोगों को। तो अब ये बंदा जितना करता है वो तो खुद ही काफी करता है, लेकिन उस बंदे को सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो हमेशा इसको डांट देता था। और ये जो डांटना था ना ये चीज इसको मन को दुखी कर रहा था। तो इसलिए दुखी कर रहा था क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, ठीक है, रूडनेस को लेकर के, रेप्रिमांड को लेकर के, एडमोनिशन को लेकर के, बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप के बंदे हैं ये, तो वो चीज को दिल में ले रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उन चीजों को दिल में तो ले रहा था लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने रिएक्शन पूछा था ना, कुछ बोल भी नहीं रहा था, मतलब वहां भी गुस्सा मन में सप्रेस कर रहा था, एंगर सप्रेस कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बंदा किसी को कुछ भी नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है, यार सामने वाला अगर बोला और उससे जब मुझे इतना मन को तकलीफ हुआ तो मैं बोलूंगा तो उसको तो भी तकलीफ होगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहा था। तो आंसरिंग अनेबल टू आंसर हर्ट इमोशनली वेन, ये चीज था कि जब ये लोग इमोशनली हर्ट होते ना तो जवाब नहीं देते। और क्या था उसके बाद, मतलब ये बंदा क्या बोला ना कि अपने को
ये अपने को इतना कर रहे हैं उल्टा सुनाता है, जबकि कोई अच्छा बात नहीं बोलता, मतलब एक अच्छा बात नहीं बोलता, यहाँ ओवर काम करवा रहा है, तो ये ओवर काम क्यों करवा रहा है, तो ये कितना झुक रहा है ना, इसीलिए ये अब्यूज हो रहा था, ओवर ओवर काम इससे लिया जा रहा है ना, पैसा तो उतना ही दिया जा रहा है लेकिन काम ओवर लिया जा रहा है इससे, लेकिन फिर भी ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। और क्या था कि इसने इसको एप्रिसिएशन की चाहिए थी ना, इसको मुझे ये क्रॉस रेफरेंस में समझ में आया कि इसने बोला था कि मेरे मालिक को अच्छा तो बोलना चाहिए ना, लेकिन ये उल्टा ही सुनाता है, तो मतलब इसको अच्छा बोले ये इसकी नीड थी, लेकिन इसका मालिक जो है उल्टा डांटता था, इसलिए ये बहुत परेशान हो रहा था, तो इसको एप्रिसिएशन की नीड है लेकिन इसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये लड़का पढ़ाई के साथ काम कर रहा है और पैसे कमाना चाहता है। ठीक है, यहाँ मैंने एम्बिशन इंक्रीज लिया था, लेकिन एम्बिशन इंक्रीज टू मनी मेक ये रूब्रिक भी यहाँ हो सकता है, क्योंकि उसको पैसे कमाने के लिए उसको आगे बढ़ना है, क्यों, क्योंकि अपने फैमिली को बैलेंस कर सके, अपने फैमिली को चला सके। ठीक है, तो ये सब इसकी मॉर्बिडिटी थी, और इसका नेचर भी बहुत माइल्ड एल्डिंग एंड बहुत ही किसी को नुकसान नहीं कर, मतलब किसी को तकलीफ नहीं देना है, है ना, बहुत ज़्यादा कंसर्न पीपल्स अबाउट वाले ये बंदे हैं। तो इस बेस पे मैंने इसको सबसे पहले इग्निशिया दिया था, जब इग्निशिया काम नहीं किया तो फिर इसको मैंने कार्सिनोसिन दिया था। ठीक है, और कार्सिनोसिन देने के इसमें बहुत अच्छा चेंज आया। तो ये केस था कार्सिनोसिन का। अब किसी ने बोला ना कि स्टेफिस एग्रिया है ना, तो अगर स्टेफिस एग्रिया रहता ना, और वो भी जो है मालिक के अंदर में काम करता है, दबके करता है, वो भी उसको भी डर रहता है कि कहीं मेरा जॉब छूट ना जाए, है ना, ये सब रहता है, और वो कावर्ड है ओपिनियन विदाउट टू करेज एक्सप्रेस अप, इसमें पड़ा रहता है ना, तो वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्टेफिस एग्रिया कहीं भी लव फॉर फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। आप लोग चेक कर लेना एक बार, क्योंकि स्टेफ ड्यूटी में तो है, मॉरल में तो है, लेकिन कहीं भी लव फॉर फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। सेकेंड रेमेडी, जैसे इग्निशिया के अंदर भी ये सारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बट इग्निशिया ने वर्क नहीं किया, लेकिन हमें लगता है कि इसके आगे और हम लोग समझते तो शायद क्लियर होता केस में, बट जितना मुझे डेटा मिला था उसके अंदर ये सारा चीज़ें हमें मिला। इसमें किसी ने मैगम्यूर बोला, तो मैगम्यूर की जो पर्सनलिटी रहती है ना, वो पर्सनलिटी के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा केयरिंग रहता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहता है, बहुत ज़्यादा वो माइल्ड रहता है, हर बात सुनने वाला रहता है, कॉम्प्लाई विशेष ऑफ अदर्स में रहता है वो ना, और काफ़ी पेशेंस रहता है उसके अंदर, मैगम्यूर के अंदर। लेकिन मैगम्यूर का जो जिस्ट है ना, वो हार्मनी डिजायर एंड पेसिफिस्ट रहते हैं, वो लोग पेसिमिस्टिक रहते हैं। ये सब बंदे जो है ना ऑर्फन फीलिंग रहते हैं इसके अंदर, बीज में, इसके कोर में। ठीक है, जहाँ पर इसको हमेशा एक बॉन्डिंग चाहिए रहती है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना रहता है इन लोगों को, मैगम्यूर को। और ये सब जो रहते हैं मैग्नीशियम वाले, तो इसके अंदर वो उसका जैसे ऑर्फन फीलिंग, फॉर सेकेंड फीलिंग, ये सब चीज़ें इसका बेसिक में रहता है। उसके बाद मैगम्यूर पूरा दिखता है हमें, तो जबकि इस केस में वैसा कुछ हमें फील नहीं आया था। तो ये कार्सिनोसिन का केस था। तो आप सब जानते हो कि कार्सिनोसिन बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रहता है, बहुत एब्यूज होता है, और इसके अंदर मैं एक रूब्रिक बताने भूल गया, रिस्पॉन्सिव विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ये
तब भी रिस्पॉन्स करता है जब इसका मन के खिलाफ होता है, या जिस चीज की इच्छा नहीं है, जो चीज में रुचि नहीं है उस चीज को भी ये करता है, उस चीज में भी अपना रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये रूब्रिक भी उस केस में था। और कार्सिनोसिन प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में रहता है, एप्रिसिएशन डिजायर में रहता है, डिलूजन सी नॉट एप्रिसिएशन में रहता है, लॉन्गिंग गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स में रहता है, लोग इसको अच्छा बोले, है ना, और इसके लिए वो अपने फैमिली की, अपने परिवार की बहुत ज़्यादा केयर करता है। और मेन चीज़ है कि ये जो बंदे होते हैं ना, मतलब शुरू का स्टेज जो रहता है ना इसका, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहता है, है ना। हमारे पास एक और केस आया है, वो मैंने एक बच्चे को रेमेडी दिया है और उस बच्चे के अंदर ये फेसेट मुझे देखने मिला था, जहाँ पर बच्चा काफ़ी वॉयलेंट था, बहुत वॉयलेंट था, लेकिन उसके अंदर ये वॉयलेंट जो था उसको देख करके आप सब मैं भी चकरा गया था कि ये कार्सिनोसिन कैसे हो सकता है, बट कार्सिनोसिन से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसके। ठीक है, तो जब लेकिन इसका क्या रहता ना कि ये अनटाइडी होते हैं, लेकिन जब इससे एक्सपेक्ट किया जाता है ना तो फिर ये अच्छा से करने लगते हैं, फिर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स में रहते हैं, इनके पेरेंट्स इससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं और उस अपेक्षा के चलते अपना अनटाइडी को छोड़ करके ये परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, इनको आर्ट एबिलिटी रहता है, इनको करना कुछ रहता है, ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट के लिए अब बहुत सेक्रीफाइस कर देता है, सेल्फलेस हो जाता है, और सेक्रीफाइस करके ये क्या करता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में ये मेहनत करने लगता है, उस चीज में ये काम करने लगता है। ठीक है, अपने एक अच्छा शब्द सुनने के लिए, अपना एक अच्छा कि मुझे दो अच्छा बात बोले, इसके लिए एप्रिसिएशन के लिए। बाकी हमारे गुरुजी मनोज सर फिर बताएंगे, बहुत अच्छा सबने क्रैक किया आज, सबने लगभग लगभग रेमेडी के बहुत करीब ही गए, बहुत लोगों ने कार्सिनोसिन क्रैक भी किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब हमारे मनोज सर बताएंगे ना, केस तो बहुत ही बढ़िया था, सिंपल था लेकिन बहुत ही अच्छा था, लेकिन और मैं समझता हूँ कार्सिनोसिन को सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसमें एक सिम्टम मैं मेंशन करना चाहूंगा, किसी ने बताया भी था कि ये दूसरों के लिए यूजफुल बनना चाहता है, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए चाहता है कि उसकी जो है मान्यता हो कि हाँ ये है जिसके कारण से उसका परिवार चल रहा है, ये नहीं होता तो परिवार बैठ गया होता। तो इस तरह की एक फीलिंग जो है कार्सिनोसिन के मन में आती है कि मैं परिवार का सहारा बनूं। तो इसका एक रूब्रिक है, यूजरर वांट टू बी, ऐसा एक रूब्रिक है। देखो तो मेरे पास, एक्चुअली मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ तो लैपटॉप नहीं है मेरे पास। इस केस में जो है ना वो रूब्रिक इस पूरे केस की जान थी। अच्छा, इस सारे केस में देखो सार यही निकलता है, वो क्या चाहता है कि वो अपने परिवार का सहारा बने। तो ये इस केस की पूरी जो जान है यही रूब्रिक है। इसके बाद इसके आसपास तो बहुत सारे चीजें, अप्रिशिएशन भी नहीं मिल रहा है, डोमिनेशन भी है, सारे कुछ है, लेकिन ये इतना सब क्यों सह रहा है? इसको जॉब चले जाने से भी ज्यादा डर जो है, ज्यादा जो चिंता इस बात की है कि उसे अपने परिवार का सहारा बनना है, और आज के दिन में इतनी आसानी से काम मिलता नहीं है, है ना। तो उसको चाहिए कि किसी भी तरह से अपने परिवार का सहारा ना टूटे उसका, ताकि वो अच्छी तरह से अपना काम करता रहे। तो ये मेरे को समझ में आया इस केस में, जो निचोड़ जो था यही था, मुझे ऐसा लगा। बाकी
रंजीत भाई बताएंगे उनका केस था और भी क्या क्या निचोड़ इसमें हो सकते हैं। जी सर, मुझे जो लगा वो मैंने बताया सर, लेकिन ये रूब्रिक मेरे माइंड में नहीं आया था, तो पूनम बहन ने इसको बताए थे, तो ये कार्सिनोसिन के बहुत अच्छा रूब्रिक मिला इसमें। तो ये बहुत, ये जो है मैंने इसको और भी केसेस में यूज किया है, कई केसेस में यूज किया है इस रूब्रिक को, और ये मेरा एक फेवरेट रूब्रिक है कार्सिनोसिन का, जहां ये फील आता सर, है ना, इसमें सर इसमें एक रूब्रिक कार्सिनोसिन का है शायद, फियर हर्ट ऑफ अदर, शायद उसमें कार्सिनोसिन है, मुझे नहीं पता। और फियर हर्ट ऑफ अदर मतलब ये दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहता, दूसरों को हर्टिंग ऑफ अदर हो सकता है कि नॉर्मली कार्सिनोसिन जो है जब एकदम एक्सट्रीम स्टेज में जब तक नहीं जाता तब तक डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब पोजीशन ऐसी आता है नाक पानी में, पानी जो है नाक के ऊपर से बहने लगता है, तब वो डिस्ट्रक्शन में जाता है, फिर सब कुछ तहस नहस कर देगा, लेकिन उसके पहले तक ये सहता रहता है और इसीलिए कई बार इग्निशिया की फील आती है। हमारे पास तुम्हारे दिमाग में जो मुझे लगता है रूब्रिक आया होगा, माइल्डनेस बियर्स द सफरिंग आउटर्स विदाउट, सब चुपचाप सह रहा है। जी सर, इसलिए इग्निशिया में चले गए। ये स्टैफ के मेरे हिसाब से बहुत करीब घूमता है, तो दो मेडिसिन की फील आई थी पढ़ने के बाद, एक स्टैफ की और एक कार्सिनोसिन की, तो जो निचोड़ था वो सिमिलर ही चलता है ना, लेकिन स्टैफिस एग्रिया में लव नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हाँ, वो इतना रिस्पांसिबिलिटी है, सारी रिस्पांसिबिलिटी उठा रहा है, सबके लिए कर रहा है, और बहुत कम उम्र से उसने जिम्मेदारी उठा रखी है, तो केवल इसीलिए सहता रहता है कि उसे लगता है कि उसे सहारा बनना चाहिए, यदि वो अपनी सहनशीलता छोड़ देगा ना तो क्या होगा, नाम भी खराब होगा, दूसरी जगह काम भी नहीं मिलेगा, तो परिवार मुसीबत में आ जाएगी, तो सबके लिए वो करता रहता है, उसको अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता ज्यादा रहती है। ये फील मुझे आया था इस केस में। तो किसी ने मेंशन किया था उनको मैंने हैट्स ऑफ फॉर दैट डॉक्टर जिन्होंने इस रूब्रिक को, डॉक्टर पूनम दी, पूनम ना, बहुत वंडरफुल रूब्रिक है, और किसी ने मेंशन नहीं किया इसको, जबकि इस केस की पूरी थैंक यू डॉक्टर पूर्णिमा, बहुत वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग आप, जब आप एनकरेज करते हैं तो हमारा और कॉन्फिडेंस बनता है, थैंक यू सो मच। आप कैसे लेते हैं अब आप इसको बताएंगी, केवल थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब आपका अंडरस्टैंडिंग बताना पड़ेगा। मैं सर, आपने जो निचोड़ बताया है ना केस का, बस वही सेम एक्सप्लेनेशन है मेरे पास भी, तो वो मतलब हर हालत में अपने आप को वो भी है ना डिल्यूजन मार्टियर ऑफ बीइंग, मतलब वो शहीद भी हो सकता है अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए शहीदी भी अगर करनी पड़े तो करेगा, वो इस हद तक वो यूजफुल होना चाहता है। हाँ जी सर, पूर्णिमा मैम ये वाला रूब्रिक एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज। डिल्यूजन मार्टियर ऑफ बीइंग हम शेयर कर लेंगे ग्रुप में, आई विल फाइंड आउट एंड शेयर। हाँ जी, और वो वाला जो यूजफुल वांट टू बी यूजफुल डिजायर टू बी यूजफुल डिजायर टू बी मां ऐसे शायद रूब्रिक ऐसे यूजर वांट टू बी ऐसे कुछ रूब्रिक है शायद मोस्ट प्रोबब्ली। हाँ जी हाँ जी, लेकिन सिंपलीफाइड वे यही है यूजफुल डिजायर टू बी, इसमें इजी रहेगा समझने के लिए। क्रॉस रेफरेंस में है यूजफुल डिजायर टू बी शायद, मैं एक बार फिर चेक करके आई विल शेयर। हाँ हाँ हाँ, अब मार्टियर में क्या होता है, शहीद कौन होता है, अपने को खत्म कर देता है ना, जिसको अपने परिवार जैसे शहीद जो हुए भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, उनकी माँ को बाद में खाने के लिए तरसती थी है ना, उनको देखने वाला नहीं था सड़क पे, एक शहीद की माँ चंद्रशेखर अपनी खुशी सेकेंडरी है, अपनी खुशियों की नहीं परवाह, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मार्टियर में है और ये कार्सिनोसिन में होती है, तो कार्सिनोसिन इस हद तक अपने को मिटा सकता है दूसरों के लिए। और सर इस केस में बहुत अच्छा एग्जांपल है इस रूब्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए ना, केस बहुत अच्छा था। हाँ जी रंजीत भाई, जब प्रेजेंट करते हैं तो ऐसा एकदम हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा बड़ा बम फोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया केस था, वंडरफुल। पूरी कार्सिनोसिन का निचोड़ जो है ना,
मजा आ गया इसको सुन के। ठीक है, ओवर टू यू डॉक्टर रंजीत। भाई आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो भाई। हेलो भाई, अब आ रही है आवाज? जा रही है जी जी भाई। तो जब पेशेंट को सिम्डोम मिलता है ना, और वो जो खुशी लेके आता है ना, वो खुशी तो सबसे ज्यादा खुशी देता है। तो आप सब भी बहुत अच्छा से क्रैक किए, और लगभग लगभग सबने रेमेडी को क्रैक किया, इस बात की भी बहुत खुशी मिल रही है मुझे। और चलो बहुत अच्छा रहा सर, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। ठीक है डॉक्टर रंजीत, अ वेरी वंडरफुल केस बाय यू, एंड ऑलवेज तुम्हारी केसेस जो है वो बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, और सबसे बड़ी खासियत है केस टेकिंग, जो अपने आप में इतना अच्छा होता है कि केस अपने आप क्लियर हो जाता है कि क्या मेडिसिन आएगी। दैट इज अ वंडरफुल पार्ट ऑफ योर केस टेकिंग। ये सबको मैं बताना भी चाहता हूँ सर, कि केस टेकिंग जो है ना, हम जब डिटेल में करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि वो हम खुद समझ पाते हैं, और लोग भी अगर जब उसको पढ़ेंगे ना या समझेंगे, तो उसको भी अप्लाई करने में इजी रहेगा। तो मैं ये चीज हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप वो फिर हमारे जितने भी न्यू कॉमर्स हैं, जो लोग अभी सीख रहे हैं, उन लोगों को कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। जिस तरह अभी हमने हर केस में आप लोगों को जो समझाने का प्रयास किया है, वो सब केसेस आप लोगों के सामने दिखेगा, और आपने केस, तो आप बहुत जल्दी आप वो रेमेडी दोगे, है ना। तो केस में जिस तरह हम लोग केस लेते हैं ना, तो मैं तो कहूँगा कि केस डिटेल में ही जाकर के लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये एक शब्द में या एक लाइन में जो रेमेडी देते हैं ना, ये चीज़ें मुझे लगता है ना कि हम उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम हर चीज में जब डेप्थ में जाके समझते हैं ना, और वही केस को थोड़ा डेप्थ में जाके लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा समझ आता है, क्लियर आता है, कॉन्फिडेंस आता है। क्या सर, मनोज सर, क्या ये चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या चीज के बारे में? केस को हम लोगों को डिटेल में लेना चाहिए, और केस को अच्छे से समझना चाहिए, और एक लाइन दो लाइन में कभी भी रेमेडी नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ना, ऐसी बात नहीं है। अब बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बस पेशेंट अंदर आया, उनको रेमेडी समझ में आ जाती है, तो उसमें दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन कितना ज्यादा अच्छा समझता है। लेकिन कई बार समझने के बाद भी, जैसे केस मिला था, मुझे समझ में आ गया मेडिसिन क्या है, लेकिन इसके बाद भी मैंने उसके पीछे आधा घंटा इसलिए लगाया कि उसकी पूरी निचोड़ जब हम समझेंगे ना, तो मेडिसिन को पढ़ाने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। तो आज ऐसा ही एक केस था, समझ में आ गया था, पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, छोड़ना नहीं चाहिए। जब थोड़ा सुगबुगाहट होने लगी ना, विद्रोह के स्वर उठने लगे, तब छोड़ा मैंने, लेकिन अब छोड़ देना चाहिए। तो ये होता है, कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। तो जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग